हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व पेपर वन के। ये वीडियो का पार्ट टू है, ठीक है। पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको देखनी है तो प्लीज़ आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल गया होगा। और ये हम सितंबर 2020 का कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आईसीटी के ही क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, सिर्फ आईसीटी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और ये शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के क्वेश्चंस हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें भी मैंने नवंबर दिसंबर के शिफ्ट वन शिफ्ट टू के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे पेपर वन और पेपर टू के। पेपर टू में इकोनॉमिक्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है इससे रिलेटेड, जल्द ही हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको शॉर्ट्स में आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो कि यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स, आईसीटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और पीवाईक्यू तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेब। इसको हम वेब भी बोलते हैं या हम इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, ठीक है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेबसाइट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड इन अ वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट। ये क्या है, बेसिकली ये है कि इसमें बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स या पेजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है, और जो एक वेबसाइट पे स्टोर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी कंप्यूटर्स आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो एक सर्वर के थ्रू हमें मिलती है, ठीक। वो सर्वर क्या होता है, वो एक कंप्यूटर है जो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। जब भी हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सर्वर को देता है वो सिग्नल, और फिर वो सर्वर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उससे रिलेटेड, ठीक। तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ WWW। तो ये ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन वेबसाइट्स। दीज वेबसाइट्स कंटेन टेक्स्ट। इनमें क्या क्या होता है, इन वेबसाइट्स में टेक्स्ट होता है, पेजेस होते हैं, डिजिटल इमेजेस होती हैं, ऑडियोज, वीडियोज, कुछ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यूजर्स कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दीज साइट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग देयर डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सेलफोन्स एक्सेट्रा। कहीं से भी आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आप जो भी इंफॉर्मेशन उस पर लेना चाहते हैं इंटरनेट पर, वही आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर, ठीक है। आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम इसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर अपने सेलफोन से कर सकते हैं। द WWW अलॉन्ग विद इंटरनेट इनेबल्स द रिट्रीवल एंड डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट एंड मीडिया टू योर चॉइस। हमें अपनी पसंद का जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए किसी से भी रिलेटेड, तो वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। बस इतना इसको बेसिक जानना है, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ हमें क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है कि ए है इसका आंसर, बी है, हमें थोड़ा इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं ताकि नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए, है ना। ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए WWW से रिलेटेड तो हम कर सकें ईजिली। और इसमें एक और चीज़ है कि WWW को किसने डेवलप किया था, तो ये तो पता होगा आप लोगों को किसने किया था। इससे रिलेटेड UGC नेट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसको किसने डेवलप किया था, तो वो थे टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था या सॉरी डेवलप किया था, तो टिम बर्नर्स-ली इन्होंने इसको WWW को डेवलप किया। कब किया, इन 1989 में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसका
अब जो सर्वर जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है तो वो किस फॉर्मेट में होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो वेब पेजेस हैं जो कि किस लैंग्वेज में होती हैं, मार्कअप लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ हमारा सर्वर ही समझ सकता है उसे, लेकिन वो हमें प्रॉपर वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वॉट इज़ ईथरनेट। तो ईथरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, इसे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। अ प्रोटोकॉल यूज बाय मैनी वायर्ड लेन लैन, अ प्रोटोकॉल यूज फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन, अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और अ कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल। तो इथरनेट क्या है, इन चारों में से कोई एक है, इसका आंसर है ए, ठीक, आंसर वन, आंसर ए इज़ करेक्ट। इथरनेट इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन अ वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इथरनेट क्या है, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जिससे जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं लैन में और वैन में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बेसिकली किस टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं, ये हम बस टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं, सपोज ये हमारी बस टोपोलॉजी है, ठीक है, मोस्टली ये बस टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो हम इसको बस टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं और इसमें क्या होता है कि ये डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, सपोज़ ये ए है हमारा, ये बी, ये सी, ये डी, ये चारों हमारे पैनल्स हैं। अब इसमें से ये ए भी हमारे डेटा देना चाहता है और डी भी हमें देना चाहता है, अभी जो आपस में जो कोलाइड होंगे तो ये कोलिजन क्रिएट करेंगे, ठीक है, कोलिजन ही क्रिएट करेंगे, इसको हम बोलते हैं CSMACD, ठीक, यानी कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ठीक। तो ये तो अभी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ी नॉलेज के लिए है आप लोगों की। तो ये जो है ये बेसिकली हमारे लैन एरिया में यूज़ होता है, क्यों, ताकि ये कंट्रोल कर सके प्रोसेस को और मैनचेस्टर एनकोडिंग कर सके, ठीक है, और ये जो ऑपरेट होता है ये होता है 10 Mbps में और 1 Gbps में, ठीक है, 1 Gbps में ये ऑपरेट होता है और ये एक्नॉलेज नहीं करता, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है इसमें हम ट्रांसमिशन मीडिया के यूज्ड इन लैन इथरनेट, तो ट्रांसमिशन मीडिया कहाँ पे यूज़ होता है, लैन इथरनेट में यूज़ होता है। इट इनेबल्स डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये क्या करता है, इनेबल करता है डिवाइसेस को ताकि ये अपने आपस में कम्युनिकेट कर सकें, विच इज़ सेट ऑफ रूल्स और कॉमन नेटवर्क लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, ये स्कूल में भी हो सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, तो इसके एग्जांपल्स ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो ये छोटे से एरिया में इसको यूज़ करते हैं और इसमें जो टोपोलॉजी, जो मोस्टली जो इसमें टोपोलॉजी यूज़ की जाती है वो है बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी ये फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये आप मैच करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। इधर है मैनेजमेंट सिस्टम, फायरवॉल, कंपाइलर, ऑटोमेटिक फ्रिज। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब ये जो देखो, ये एक तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या क्या होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर्स हैं, ठीक है। हार्डवेयर में भी इनपुट और इनमें भी कैटेगरीज होती है, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है तो वो कंप्यूटर को क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है और उसको वो बताता है कि इसे क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे गाने सुनने हैं, ठीक है, मुझे सॉन्ग म्यूज़िक सुनना है कंप्यूटर में, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सिस्टम पे जाऊँगी, ठीक है, सिस्टम पे जाने के बाद में मैं उसमें सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होगा उसको देखूँगी, ठीक है, फिर वो सॉफ्टवेयर वो किसको सिग्नल देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर उसके बाद में जाके कहीं म्यूज़िक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और किस तरह से करना है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली ये तो टू टाइप का होता है,
लेकिन उसके टाइप में भी सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। दो कैटेगरीज होती है इसकी, मेजर कैटेगरीज, लेकिन इसकी भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसकी सेपरेट वीडियो बनेगी, इसमें नहीं, इसमें हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे ताकि हम अपने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये प्रोग्राम है जो कि हमारे किसको मैनेज और कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है। इसमें भी टाइप्स हैं, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये बी कहाँ से आ गया, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये सिस्टम यूटिलिटीज है। इसके भी चार कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज। डिवाइस ड्राइवर हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि क्या है, ठीक है। जब भी हम अपनी कंप्यूटर में कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगाते हैं तो उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे हमें हम क्या लगाते हैं, पेन ड्राइव हमने लगाया कंप्यूटर में, ठीक है, या लैपटॉप में, तो एक पॉपअप आता है हमारे पास, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर एक पॉपअप आता है। तो वो क्या होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ताकि वो ये कहता है कि आपने जो एक्स्ट्रा डिवाइस लगाया है वो इनेबल हो चुका है। समझ में आई? तो ये डिवाइस ड्राइवर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या है, कंपाइलर हो गया और हमारा इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटीज़ आ गई यहाँ पर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म अ सिंगल और मल्टीपल टास्क। ये बताते हैं यूज़र को कि आप सिंगल और मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल, इसको हम एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं, और इसके दो टाइप होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये एक स्पेसिफिक, जनरल मतलब ये सबके लिए हैं, सारे जितने भी यूज़र्स हैं सबके लिए हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। स्पेसिफिक, कोई भी एक स्पेसिफिक जिसको ज़रूरत है सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। जैसे इस रेलवे अपना अलग वेबसाइट बनाता है ना, तो रेलवे का अपना अलग हो गया सॉफ्टवेयर एक, ठीक है। स्कूल है, स्कूल मैनेजमेंट अपना अलग साइड बनाता है, उसमें क्या कि आप एडमिशन करा सकते हैं, एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, या फिर कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई और कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ये अपना अलग हो गया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, समझ आई? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा हम पढ़ लेते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, सिक्योरिटी एंड एम्बेडेड। तो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरसेस या फिर और भी कोई हार्म ना हो हमारे कंप्यूटर को, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, मालवेयर, ठीक है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एम्बेडेड मतलब होते हैं कि किसी डिवाइस में कंप्यूटर को इनेबल करना, वो कंप्यूटर नहीं है लेकिन उसमें कंप्यूटर इनेबल्ड है, ठीक है। जैसे कार्स हो गई, डिजिटल वॉच हो गई, ठीक है, मॉडर्म्स, रोबोट, और अब रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप नहीं, ये सब हमारे क्या हो गए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। हमने पीछे के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स नहीं पढ़े, वो पढ़ लेते हैं। एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, देखो, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे। और इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कॉरल, मैक, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम ज़रा इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पीछे चलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा क्या आता है, कंपाइलर आ जाएगा, है ना, हमने पढ़ लिया इसके एग्जाम्पल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा हमारे पास, मैनेजमेंट सिस्टम, और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में फायरवॉल, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक फ्रिज। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गिविंग ब्लो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, डीवीडीज यूज अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक टू स्टोर डेटा वर्किंग फ्रॉम द एज सेंटर टू द एज, ओके। स्टेटमेंट 2, डीवीडीज आर रीड ओनली डिवाइसेस। तो ये कह रहा है कि डीवीडी जो है वो क्या यूज़ करता है सिस्टम को, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये हमारा डीवीडी है,
ये है डीवीडी, ठीक है। अब ये हमने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ एक बार कि ये हमारा डीवीडी हो गया। अब इसमें क्या है, इसके जो ट्रैक्स हैं, सॉरी ये डीवीडी है, अब इसमें जो स्पाइरल ट्रैक्स हैं, ठीक है, इस तरह से ये है, ये सही से नहीं बना लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ऐसी है। अब इसमें ये इसका प्लेटर हो गया, अब इसमें कुछ कुछ ट्रैक्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है डीवीडी कि जो डेटा जो उसको मिलता है वो इसको स्टोर करता है फ्रॉम सेंटर, कहाँ से, सेंटर से स्टोर करते हुए चलता है टू द एजेस, ठीक। तो ये करेक्ट है, डीवीडी आर ओनली रीड ओनली डिवाइसेस, तो ये ऐसे भी करेक्ट है, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डीवीडी के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है, आप वो जाके देख लीजिए, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मैंने करंट अफेयर्स यूजीसी से रिलेटेड डाले हैं, एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स, एजुकेशन करंट अफेयर्स, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी जाके चेक कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सिंपल डेटा ट्रांसमिशन इज इन टू डायरेक्शन ओनली, हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज व्हेन डेटा इज सेंड एट 8 बिट एट अ टाइम ओवर सिंगल वायर। तो ये सब क्या है, ये डेटा ट्रांसमिशन क्या चीज़ है ये, तो ये हम इसको देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है। तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन यानी डेटा को ट्रांसमिट करना, ठीक है, तो द टर्म ट्रांसमिशन मोड डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना, ठीक है, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसमिट करना, जैसे कि लैपटॉप से प्रिंटर में सपोज, या फिर कंप्यूटर से प्रिंटर में डेटा को क्या करना, ट्रांसमिट करना। तो ये किस तरीके से होता है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मोड्स हैं, हम इसको पढ़ते हैं। इसको हम मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं, इसको हम डेटा ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, मेजरली ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल डेटा ट्रांसमिशन, डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। सिंपल तो सिंपल, सिंपल में कोई सब टाइप नहीं है, लेकिन डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में सब टाइप है, हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन एंड फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। बहुत ईजी है, बस इसमें इसके जो वर्ड्स हैं ना, जो इसके वही टफ है, बाकी ईजी है, पढ़ लेते हैं इसे। सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन, ये जो है ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि वन वे डायरेक्शन है, सिर्फ एक ही तरफ से डेटा आ सकता है एक ही बार में, ठीक है। यानी कि या तो सेंडर भेज सकता है रिसीवर को एक ही बार में, या फिर रिसीवर भेज सकता है सेंडर को एक ही बार में, यूनिडायरेक्शनल है, वन टाइम, वन डायरेक्शन इन एट अ टाइम, ठीक है। सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा बट कैन नॉट रिसीव, अगर सेंडर डेटा सेंड कर रहा है तो वो रिसीव नहीं कर सकता उस टाइम पे, और अगर रिसीवर रिसीव कर रहा है तो वो सेंड नहीं कर सकता उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड और माउस इनपुट्स टू सीपीयू, जैसे कीबोर्ड इनपुट देता है सीपीयू को एक ही टाइम पे, तो सीपीयू लेता है उसे इनपुट, यानी कि हैंड टू हैंड वो आउटपुट देता है, वो आउटपुट उसको प्रोसेस करके देता है ना। तो ऐसे ही ये इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन। दूसरा एग्जांपल इसका रेडियो एंड टीवी, जैसे देखो रेडियो एंड टीवी का क्या होता है, रेडियो हम सुन रहे हैं, सुन ही सकते हैं हम, रेडियो में हम कुछ बोल नहीं सकते, टीवी हम टेलीविज़न देखते हैं तो टीवी में हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उसमें बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल डेटा ट्रांसमिशन, समझ में आ गई बात। अब डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का फर्स्ट वाला सब कैटेगरी देखते हैं, हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कैन फ्लो बोथ इन बोथ डायरेक्शन एट अ टाइम, एक समय में दोनों डायरेक्शन में ये चल सकता है, जैसे सेंडर से रिसीवर को, रिसीवर से सेंडर को, ठीक है। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग, अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा, अगर एक डिवाइस सेंड कर रहा है तो दूसरा रिसीव कर सकता है एक ही टाइम पे, ठीक है, और इस उल्टा भी हो सकता है, कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, कि दोनों डायरेक्शन में चलता है, जैसे इंटरनेट ब्राउजर हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, एक ही टाइम पे एक ही बात करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कैन ट्रांसमिटेड, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, से एक ही समय में हम दोनों रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं,
ये बाई डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है सिम्प्लेक्स की तरह। डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों तरफ हो सकता है डेटा। वी कैन सेंड एज वेल एज रिसीव, रिसीव भी कर सकते हैं सेंड भी, जैसे कि टेलीफोन टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क, फ़ोन आता है हम बात भी करते हैं और उधर वाले की सुनते भी हैं, मैसेजेस हम भेजते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, तो ये फुल डुप्लीकेट ट्रांसमिशन हो गया। वी ऑलरेडी नो दैट डेटा कैन ट्रांसमिट थ्रू सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स मोड, हमें ये तो पता है कि सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसके अलावा भी दो मोड ऐसे हैं जिनमें डेटा ट्रांसमिट होता है, वो है सीरियल एंड पैरेलल। तो सीरियल में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट इन सीरीज, अब यहाँ पे जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है सीरीज में। सीरीज में कैसे, जैसे ये हमारे पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, या ये कंप्यूटर हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ज़ीरो है, बिट्स में हो रहा है ना डेटा ट्रांसफर, तो ये ज़ीरो, ये वन, ये ज़ीरो, ये वन, ठीक। तो यहाँ पे सीरियल वाइज होगा, एक सिर्फ एक ही केबल के थ्रू सीरियल वाइज होगा, ठीक है, एक ही केबल के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। पहले तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे ये ज़ीरो रिसीव हो गया इसको, ठीक है, फिर उसके बाद में ये ज़ीरो यहाँ से हट जाता है तो फिर वन जाता है, फिर यहाँ पे इसको वन रिसीव हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में ज़ीरो के बाद में क्या है, वन के बाद में क्या है, ज़ीरो है, फिर इसके पास ज़ीरो जाएगा, फिर ये ज़ीरो यहाँ पे इसको रिसीव हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में वन है, वन जाएगा, ज़ीरो हट जाएगा, वन जाएगा, फिर ज़ीरो इसको रिसीव हो, वन इसको रिसीव हो जाएगा। तो ये इस तरह से सीरियल वाइज होता है, एक ही सिंगल कॉक्सियल वायर से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, यहाँ पे मल्टीपल डेटा बिट्स, यहाँ पे बहुत सारे डेटा बिट्स को हम पैरेलल में भेजते हैं, जैसे ये हमारा लैपटॉप है, ये हमारा प्रिंटर है, यहाँ पे ये बहुत सारी पैरेलल्स कॉक्सियल वायर्स, ये बहुत सारी हमें यहाँ पे केबल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ कभी वन जा रहा है, कभी ज़ीरो जा रहा है, कभी ज़ीरो, कभी वन, कभी ज़ीरो, कभी वन, ये यहाँ पे पैरेलल वे में इसको जा रहा है, मल्टीपल बिट्स एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फोर। आंसर नंबर फोर कैसे, सिंपल डेटा ट्रांसमिशन इज नहीं, ये टू वे नहीं है, ये वन वे होता है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज बोथ बट नॉट एट द सेम टाइम, हाफ वे दोनों है लेकिन सेम टाइम पे नहीं, यस करेक्ट। फुल इज बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, करेक्ट। फिर इसके बाद सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज व्हेन डेटा इज सेंट 8 बिट एट टाइम ओवर अ सिंगल वायर, सिंगल वायर से डेटा को हम भेज सकते हैं 8 बिट एट टाइम, एक ही बार में 8 बिट नहीं, ये सीरियल वाइज जाती हैं, एक ही बार में तो नहीं जाती हैं इकट्ठी होके, ठीक है, तो ये रॉन्ग। पैरेलल ट्रांसमिशन इज व्हेन 1 बिट ऑफ द डेटा इज सेंट डाउन ओवर अ सिंगल वायर, सिंगल वायर से जाती है, नहीं, ये सॉरी डी वाला इज करेक्ट, डी वाला भी रॉन्ग है, सॉरी डी वाला रॉन्ग है, बी एंड सी इज करेक्ट। तो आंसर नंबर फोर इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेरी वेरी इजी, व्हाट टाइप ऑफ अ जॉयस्टिक डिवाइस ऑफ जॉयस्टिक, तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग के लिए काम आता है मूवमेंट ऑफ कर्सर या फिर पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर पॉइंटर या फिर कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम आता है जॉयस्टिक, तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमने पीछे एग्जाम्पल्स किए हैं, तो कौन सा हो गया इसमें, MS Word इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आंसर डी। इन्फॉर्मेशन इज, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन रॉ डेटा है, प्रोसेस डेटा है, रिटर्निंग डेटा है, ऑलवेज ओरिजिनल डेटा, तो इट इज प्रोसेस डेटा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एल्गोरिथम डेटा, इसके हमें मैच करने हैं, तो सॉफ्टवेयर में पता है कि क्या होता है, क्या होता है सॉफ्टवेयर हमारा, इसमें एग्जाम्पल्स देख लो, लिनक्स है हमारा ये सॉफ्टवेयर, आंसर ए का 4 हो जाएगा। हार्डवेयर क्या है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स होते हैं डेटा, और एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया इसका ए, तो हो गया हमारा लिनक्स, बी हो गया हमारा हार्डवेयर,
हार्डवेयर हो गया हमारा हार्ड डिस्क, एल्गोरिथम हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सी का फर्स्ट पार्ट और डी का सेकंड. ठीक है, आंसर ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर. ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए. और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए. वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो वेब ब्राउज़र यहाँ पे क्रोम है, क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र. ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क, नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्ड डिस्क, DOS. सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर आ जाएगी हमारी हार्ड डिस्क, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर आ जाएगा MS Word. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.